हेलो, टुडे इज 30 अप्रैल 2023 एंड वी आर गोइंग टू फेमस हिल स्टेशन मसूरी फ्रॉम NIH रुड़की। दिस इज माई रूम 314। एंड लेट्स सी, आवर अदर कोलीग्स आर वेटिंग डाउन। ये तो क्या जल्दी उठ जाता है, तो पंखा चलता नहीं है। आप सबको जगा, ये आपका जो कवर है? यस सर, ये भी कवर है। अच्छा, हाँ, रात को फोन आ गया सर। जी सर, मैं सोच रहा नहीं जाऊँ कि सर फोटोग्राफर सबसे आगे। पता नहीं, निकाल ही रखा होता, इन्होंने सीट पर रख रखा था, नहीं चलाते हम ये लगा के।
करा दे हम आ गए। यहाँ पर हर जगह बैगनी बैगनी एकदम फूल दिख रहे हैं, चाहे बेल हो पेड़ हो, पूरा लोहे पर ही कंस्ट्रक्शन हो गया है। आगे 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 वो वॉशरूम है। अप्रैल 2023 तीन बॉटल मसूरी में हम लोग जा रहे हैं, मसूरी घूमने
NIH रुड़की से। Thank you.
उतारते हुए जाना है। ये क्या आने जाने का दोनों का है कि आने का है? फोन करके पूछ लीजिए आप जसवाल जी से कि भैया कहे, हमें तो लग रहा है वो लोग हार मान गए होंगे। ये भैया ये तीन टिकट है, एक दो तीन ले ले क्यों टंगे ये चढ़ने का नीचे पहुंच गए ना तुम लोग? अबे चढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ नीचे पहुंच गए ना, वापस आ रहे हैं। Thank you.
फॉल काफी बदल चुका है। 30 अप्रैल 2023 में हम लोग फिर से आए हैं देखने। कंस्ट्रक्शन काफी दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। दो तीन तालाब हमें मेरे ख्याल से और बना दिए गए, देखने में तो कैसे लग रहा है। हमारे साथ प्रसन्न जीत जी है, राजेश है। हम लोग काफी आनंद ले रहे हैं। दो बार ऊपर नीचे पैदल चले गए थे, एक बार हम लोगों ने सोचा कि रोकने का सहारा लेना चाहिए। हमारे लोहानी साहब बड़े मजबूत हैं, क्या जा रहा है कुछ सामान लाए। बड़ा फायदा है रोपवे से जल्दी से आ जाते हैं, लेकिन कोई हादसा ना हो जाए इसी की प्रार्थना भगवान से हमेशा करते रहते हैं। अभी हाल ही में एक हादसा कुछ हुआ था, लोग लटक गए थे। ये वाले तो हर तीन जगह खड़े, ये भी तो नहीं पता कौन तालाब पे तो हम करते हैं। सामने चलते हैं उस साइड। चलिए सर, कपड़े लॉकर चेंजिंग। आइए प्रसन्न जी।
Yeah.
यात्रा कर ली माल रोड से, सबने काफी माल भी खरीद लिया है। हम कुछ थके हुए थे हैं, अब उस फिर से माल रोड की ओर जा रहे हैं हम लोग। माल रोड सीधे हरिद्वार रोड शायद पकड़ लेंगे रुड़की के लिए। मिला ये बाप।
मसूरी में काफी पुराना बिल्डिंग है, लग रहा है रेनोवेशन हो रहा है इसका। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये प्राइवेट संपत्ति है, इसमें सख्त लिखा हुआ है कि इसमें आपको पैसा नहीं चलाना है, और इसमें प्रसाद तथा चाय प्रसाद के रूप में देखेंगे जो बोर्ड लगा हुआ है, ये वो कहते हैं कि भगवान हम सबको देते हैं, तो इसलिए भगवान को आप पैसा न चलाएं।
बड़ा ही ये विशेष एक मंदिर है भारतीय परंपराओं को, जो पता नहीं उसका निर्वाहन कर रहा है, लेकिन आजकल के समाज में जहां एक हिंदू धर्म में अनिश्चितता का दौर है, वहीं एक मंदिर आपको मिलेगा मसूरी और देहरादून रोड के बीच में, प्रकारेश्वर मंदिर। विशेषकर ये शिव जी के पर का ये मंदिर स्थापित है। यहाँ की खास बात, जैसे हमारे सर ने बताया कि एक निजी मंदिर, यहाँ किसी प्रकार का भी कोई चढ़ावा रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता है, और वरन यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, सबको प्रसाद चाय आप देख ही सकते हैं, मैं भी पी रहा हूँ, चाय वाय सबको दी जाती है। कोई भी यहाँ पे जगह जगह लिखा भी हुआ है आप किसी प्रकार का कोई चढ़ावा ना चढ़ाए, तो आप लोग भी आइए इस मंदिर में जरूर, देहरादून आइएगा तो आइए। अपने हाथ से जिसका खोल के सामान हो ना गाड़ी के अंदर, हाँ, निकाल के ले जाते हैं। अच्छा, आराम से आराम से। हम एक बार अयोध्या में गया था, हमने सोचा था एक छोटे से बंदर को हम पाल लेंगे, एक भी लेकिन कोई छोड़ता नहीं है बंदर बच्चा अपना। कहीं बच्चा अगर कोई गाड़ी के नीचे भी आ जाती है ना, तो उसको मरा हुआ बच्चा भी अपने पास।